अगर मैं 1% उसके साथ चला गया तो क्या मतलब मैं शादी से पहले नहीं गया उसके साथ कभी? आप शादी से पहले मनीषा के साथ गए हो गोवा? फ्रेंड से बोल रहे हो आप कि इसको तो बीचेस पसंद ही नहीं है, आप अकेले जाना चाहते हो मनीषा के साथ? एक तो शादी से पहले उसके साथ तो नहीं, कहां का घूम चुके हो, एक रूम में भी रुक चुके हो, शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? चला जाऊं? अबे ये ओ बाप, देखना कितनी पुरानी पुरानी दवाइयां पड़ी हुई है मेरी, कितनी सारी बैग में ना रखी हुई है। अरे अब सबकी डेट चेक करनी पड़ेगी ना, ये मैं प्रेगनेंसी के टाइम लेती थी वैसे। हाँ क्या हाल चाल, बहुत दिन बाद। हाँ घर पे हूँ, वो भी यही है। बढ़िया, तेरा बेबी कैसा है? अच्छा इतनी शरारतें, बढ़िया। कहाँ चलना है? गोवा? कौन कौन? अबे नहीं पाए क्या तू? और अच्छा मजाक कर रही थी तू? ओह मेरे को लगा सच्ची में तू कह रही है कि तू और मैं चले गोवा घूमने के लिए। गॉड मीनाक्षी से पूछ लूंगा, लेकिन उसको बीचेस ज्यादा पसंद नहीं है। उम्र सारी हाँ, तू तेरा हस्बैंड मैं और मीनाक्षी और दोनों बच्चे, चलो एक सेकंड एक सेकंड गोवा चले। फोन पे है कोई? मनीषा का फोन है। फोन रखो, बाद में बात करते हैं। मुझे नहीं जाना भी। अरे नहीं जाना उसको, तू और मैं चलते हैं। अरे मैं मजाक, हाँ तो तू मजाक कर रही सच में? देख ले मीनाक्षी तो जानी थी, फिर तो अपने हस्बैंड को क्या बोलेगी हैं? अच्छा रुक जा रुक जा, मैं तेरे को करता हूँ थोड़ी देर में, करता हूँ रुक जा। हाँ, अरे कोई आया बाहर आया, बस क्या है, बात नहीं करने दे रही आप? पहली बात तो मुझे लगा कि लड़के से बात कर रहे हो, पहले अब मनीषा से बात कर रहे थे। क्या दिक्कत है तेरे को? तेरे सामने मैंने बोला है ना उसको कि मैं कितने दिनों बाद बात कर रहा हूँ। शर्म आती है आपको कि नहीं आती? शर्म की क्या बात है? आपने मुझसे पूछा कि मुझे गोवा पसंद है कि नहीं, आपको किसने बोला मुझे बीचेस पसंद नहीं है? तो तेरे को क्या दिक्कत है? तू तो बोल रही थी मेरे को नहीं जाना, मैंने मना कर दिया उसको। आपने पहले बोला था कि मुझे बीचेस पसंद नहीं है, और बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो आप कि इसको तो बीचेस पसंद ही नहीं है, आप अकेले जाना चाहते हो मनीषा के साथ? तूने तो कहा था मैं नहीं जा रही। कभी थाईलैंड जाना होता है, कभी गोवा जाना होता है, अकेले बड़ा मजा आता है आपको सोलो ट्रिप पे जाने में। सोलो ट्रिप पे कहा जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ। और उसको शर्म नहीं आती? वो अपने पति को क्या यहाँ छोड़ के जाएगी, और आप मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओगे, और दोनों गुल छड़ उड़ाओगे वहां पे जाके, पता नहीं क्या क्या करोगे। तेरा दिमाग खराब है, कैसी बातें कर रही? गुल छड़ उड़ाओगे, पागल है तू? क्यों, जब उसने बोला कि तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हो अपने पति के बारे में, तो ऐसी बातें करते कोई छोड़ रहे? किसी का पति ऐसे जाता है शादी के बाद किसी और के साथ गोवा? मैं किसी और के साथ गोवा चली जाऊं तो? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे?
तेरा दिमाग हो गया खराब। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं आपको बोलूँ कि मेरे को अपने किसी फ्रेंड के साथ गोवा जाना है, आप यहाँ पे रहो, ये थाईलैंड जाना है, आप मेरे को जाना दोगे? हाँ चले जा। गुड्डू को संभालो बैठ के। हाँ चले जा। मतलब मैं कुछ नहीं बोलती तो आप मेरा फायदा उठाओगे इस चीज से? कौन सा फायदा उठा लिया मैंने तेरा? तेरे को पता है मैं मजाक कर रहा था ना उसके साथ? इतनी मनीषा की बच्ची पीछा नहीं छोड़ती पता नहीं, फिर भी कॉल के साथ चिपक गई है। यार तेरे सामने तो बोला था मैंने कि मैं फिर भी कॉल के एल्फी की तरह चिपक गई है, छूट ही नहीं रही है पता नहीं। उसको भी मेरे पति मिला पीछे पढ़ने के लिए। पहले शादी क्यों नहीं करी उससे? किससे? मनीषा ने आपसे क्यों नहीं शादी करी? चाहते आपको प्यार आ रहा था तो, या आपको उसको आपको प्यार आ रहा था तो? यार वो दोस्त है इंसान, लड़का लड़की दोस्त। हेलो राहुल, मैं प्रेग्नेंट हो गई, हाँ मेरा बेबी होने वाला है, अब मैं ना गोवा जा रही हूँ, ये हो गया वो हो गया। इतना तो मैं भी आपको फोन करके नहीं बताती सारी चीजें, जितना मैं आपको बताती रहती है सारी चीजें। और मुझसे तो आप पूछते भी नहीं कुछ भी कि मेरा दिन कैसा रहा, ऐसा कह रहा। अच्छा, तेरे सामने मैं मजाक कर रहा था उसके साथ, मजाक कर रहा था। तेरे को चलना है ट्रिप पे? अब तो आप इसलिए पूछ रहा हूँ मुझसे क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। बताना चलना है तो उसको मैं फोन करके ओके बोल दूँ, वो तो कह रही थी कि फैमिली फैमिली चलते हैं। मुझे ट्रिप पे जाना है, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रही हूँ मुझे जाना है, लेकिन मेरे को उसके साथ नहीं जाना। अरे उसमें दिक्कत क्या है उसके साथ जाने में? उसका पति भी तो आ रहा है। अच्छा, मतलब एक लड़की जो आपकी एक्स है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, बिल्कुल चिपकी हुई है डायनो की तरह से, बिल्कुल जो डायन नहीं होती प्रॉपर डायन, मैं टीवी में देखती थी डायन होती हैं, लेकिन अब मुझे सच में पता चला कि हाँ असली में भी डायन होती हैं। और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो बीइंग योर वाइफ कि मैं उसको अपने साथ लेके चलूं, कितना आसान होता है ना तेरे को उसके साथ लेके चलना। हम दोनों को उसके साथ जाना है, वो उसका ट्रिप है, उसका प्लान नहीं, हम अपना अलग से प्लान बना लेंगे। अच्छा चल ठीक है, एक बात बुरा तो नहीं मानेगी? बोलो का? बोलो, बुरा नहीं माने? पहले बोलो ना। हमारे ही नहीं, हाथ पैर नहीं चलाएगी, वो बात सुनने के बाद डिसाइड होगा। तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं इसके साथ ट्रिप पे चला जाऊं? अबे ओह नो, शर्म आ रही है बोलता कि नहीं? आप एक बेटी के पापा बन चुके हो आप, तो वो भी तो माँ बन चुकी है। तो माँ तो मैं बन चुकी हूँ, तो तू भी चल। आप उसके साथ अकेले ट्रिप पे को जाओगे? मैं ना उनको भी अकेले जाने से मना किया है, लेकिन आप मुझको इतना ओपन माइंड समझते हो कि आपको अपने एक्स के साथ जाने दूंगी? और कल को मेरे कोई एक्स मुझसे पूछे कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मेरे को जाने दोगे उसके साथ? चले जा, चले जा, मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा मैं उसके साथ जाऊंगी तो? आपको जेलस फील नहीं होगा? होगा। आप मुझे प्यार ही नहीं करते पतिदेव, मेरे को लगा आप कहोगे मैं नहीं जाने दूंगा। अच्छा सुन ले, अबे तेंदुए की तरह क्यों मुंह बना रखा तूने? अब मैं आपको तेंदुआ भी लगने लगी? कभी मैं आपको मोटी लगती हूँ, मैं आपको तेंदुआ लगती हूँ? सारी खूबसूरती अप्सरा की तो उस मनीषा के अंदर ही है ना। कद्दू जगह मुंह पे मार रखा नहीं जा रहा यार। मैं कद्दू और वो मनीषा क्या है? क्या है वो मनीषा? भिंडी बिरयानी, चिकन बिरयानी, भिंडी। आपको चिकन बहुत पसंद है ना? लेडी फिंगर, मतलब वो पतली है लेडी फिंगर। अच्छा सुन, पतली तो वो है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, सबका वजन नहीं बढ़ता ना प्रेगनेंसी के बाद, तेरा बढ़ गया उसका नहीं बढ़ा, ये तो हार्मोनल होता है, इसमें दिक्कत वाली बात थोड़ी है कोई। तो दिक्कत क्या है अगर मैं चला गया तो? क्या दिक्कत? अगर मैं 1% उसके साथ चला गया तो क्या मतलब मैं शादी से पहले नहीं गया उसके साथ कभी? आप शादी से पहले मनीषा के साथ गए हो गोवा? गोवा तो नहीं गया मैं। फिर कहाँ गए हो? हम गए थे नैनीताल, शिमला, बस आप दोनों, मसूरी और यार नहीं, 3-4 बस आप दोनों। हाँ एक रूम में रुके थे?
याद नहीं। आपने मुझे बताया तो नहीं इस बात को भी, मेरे साथ तो कभी नहीं गया शायद से पहले ऐसे। तू कभी पूछा ही नहीं तूने। पता नहीं कौन कौन से राज खुलने भाग्य बदले हो आपके, शर्म आ रही कि नहीं बताते हो ये सारी चीजें। हाँ तो रही है, चला जाऊं। क्या अभी क्या तू पागल है क्या, शर्ट फट जाएगी मेरी। नहीं फिर बोलो चले जाऊं, फिर बोलो चले जाऊं। आप एक तो शादी से पहले उसके साथ कहीं कहां का घूम चुके हो, एक रूम में भी रुक चुके हो, शर्म आ रही है कि नहीं आ रही। चला जाऊं। अबे ओ पागल, पागल हो गई क्या। चला जाऊं। आप मेरी जिंदगी से चले जाओ। चला जाओ। हाँ चले जाओ मेरी जिंदगी से, जाओ मनीषा के साथ। अबे ट्रिप पे चला जाऊं कहीं, नहीं मेरे को नहीं पता, आपकी मर्जी है, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी। चला जाऊं। मैं गुड्डू को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा कोई नहीं, चला जाऊं। मेरे को आपसे बात नहीं करनी, मेरे को हाथ मत लगाओ। पता नहीं कितने झूठ बोल रखे आपने मेरे से। चला जाऊं ट्रिप पे। नहीं मतलब आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं पता। चला जाऊं ट्रिप पे, बता ना। चला जाऊं। मुझे गुस्सा आ रहा बहुत ज्यादा। चला जाऊं। आपको पता है मैं गुस्सा। चला जाऊं। कमाल भाती आलो मिलो, नाक से छोड़ना है, एक नाक से लेना है और यहाँ पे केंद्र बिंदु पे फोकस करना। कमाल भाती हाथ मत लगाओ। चला जाऊं, चला जाऊं। अच्छा चला जाऊं, बता बता। मेरे को तो ये भी नहीं पता वो भी थाईलैंड गए थे, अकेले गए थे, उसको लेके गए थे, उसके साथ ही गए होंगे फिर तो आप थाईलैंड। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा आपके ऊपर। चला जाऊं। चले जाओ ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो मुझसे बार बार। चला जाऊं। हाथ पीछे करो। चला जाऊं। हाथ पीछे करो पतिदेव। चला जाऊं। चला जाऊं। आप एक काम करो, आप गुड्डू को लेके आओ नीचे से। चला जाओ। आप गुड्डू को लेके आते, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चला जाओ। और मैं इस बारे में कल मम्मी पापा से बात करूंगी, मेरे को नहीं रहना आपके साथ। चला मेरे को नहीं। चला मैं गुड्डू को लेके जा रही हूं। मैं गुड्डू को लेके जा रही हूं। चला देखो हमारी बात ना मजाक नहीं होती है। ये हंसे आ रहे हो आप, होती है। चला दो, ये मजाक की बात है। मैं भी जाऊंगी अगले महीने ट्रिप पे किसी के साथ। चलो सुनाई चला। I hope आपको गाइस ये प्रैंक पसंद आया हो। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली 400,000 की होने वाली है। थैंक यू सो मच, दिल से प्यार और दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बेल दबा देना, क्योंकि इसके ऊपर प्रैंक थोड़ा कम कर दिया मैंने क्योंकि मेरी पिटाई ज्यादा होने लगी है गाइस। ओके गाइस, तो सी यू लेटर। अभी इसका सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन खाएगी कुछ। अच्छा गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खत्म होने से पहले एक बार।